विज्ञा भाई, विज्ञा विज्ञा, ट्विटर तो विज्ञा। क्या आप जानते हैं कि एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया? जी हाँ, एलोन मस्क ने ट्विटर को 44.2 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया। लेकिन ट्विटर को एलोन मस्क ने खरीदा क्यों? तो जानते हैं सबसे पहले ट्विटर अकाउंट के बारे में। तो एलोन मस्क के जो ट्विटर अकाउंट में फॉलोअर्स थे वह उतने ही फॉलोअर्स थे लगभग लगभग जितने कि डोनाल्ड ट्रंप के थे जब वे बैन हुए थे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भी बैन कर दिए गए। तो यानी कि ट्विटर क्या अपने मर्जी से किसी को भी बैन कर देता है? तो क्या यही कारण है? क्या एलन मस्क भी बैन होना नहीं चाहते थे जिसके कारण उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया? और जानते हैं कि क्या कारण है, वो कौन से रीजन है जो एलन मस्क ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि इन कारणों से, इन तीन कारणों से जो कि मेनली तीन रीजन है जिसके कारण एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा। तो क्या जानते हैं उन्हीं तीन रीजन्स को जिस कारण से एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा? और जानते हैं क्या कि डोनाल्ड ट्रंप के कितने फॉलोअर्स थे जब वे ट्विटर में बैन किए गए थे? तो हाय गाइस, मैं कुंदन और आप देख रहे हैं टेक्निकल ब्लॉग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो जब डोनाल्ड ट्रंप बैन हुए थे उस समय उनके 88 मिलियन फॉलोअर्स थे ट्विटर के अंदर। तो क्या एलोन मस्क को भी डर लग रहा था कि क्या मैं भी बैन कर दिया जाऊंगा, इसलिए उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया? तो ऐसी बात नहीं। जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपने ट्विटर को क्यों खरीदा, आखिर वो कौन से रीजन्स है जिसके कारण आपने ट्विटर को खरीदा, तो उन्होंने मेनली तीन रीजन्स बताए जिसके कारण उन्होंने ट्विटर को खरीदा। तो इन तीनों रीजंस के बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विटर के वैल्यूएशन के बारे में। तो शेयर मार्केट में ट्विटर की वैल्यूएशन लगभग लगभग 54 बिलियन डॉलर्स है, जो कि 38% ज़्यादा है जितने में उन्होंने खरीदा है। तो जब उन्होंने तीन रीजंस बताए ट्विटर को खरीदने के, तो वो तीन रीजंस थे। पहला ये रीजंस था कि किसी भी कारण को बताए बिना ट्विटर कभी भी किसी को भी बैन कर देता था, यानी कि जो जेन्युइन पर्सन होते, जो जेन्युइन थिंग्स को लेकर के, जेन्युइन कंटेंट को लेकर के, जो जेन्युइन न्यूज़ को लेकर के आगे बढ़ना चाहते थे उन्हें बैन कर दिया जाता था। तो जो और जो टॉप मोस्ट या ट्रेंडिंग पे चल रही थी वो बॉट्स के द्वारा किए गए स्पैम मैसेजेस रहते थे जिसका कोई वैल्यू नहीं होता था, कोई मीनिंग नहीं होता था। जैसे कि आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि जो विनोद नाम है, विनोद नाम बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ था कुछ सालों पहले, 2-3 साल पहले विनोद नाम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हुआ था फेसबुक ट्विटर के अंदर, जबकि इसका कोई रीज़न नहीं, कोई भी इसका मतलब नहीं बनता कि आखिर विनोद नाम क्यों ट्रेंड हुआ था ट्विटर के अंदर। लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि ब्लॉक कर दिए जाते हैं, और उसको पब्लिश करने वाला जो भी व्यक्ति होता है या भी कोई पर्सन, उसको बैन कर दिया जाता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है कि हमेशा हमेशा के लिए, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ था। हालांकि उन्होंने नॉर्मली कुछ बहुत बड़ा ट्वीट नहीं कर रहे थे, वो नॉर्मल अपने लाइफस्टाइल के बारे में या अपने नॉर्मल जो ऐसे सभी ट्वीट करते हैं वैसे ट्वीट करते थे, तो फिर भी उन्हें बैन कर दिया गया जब उनके 88 मिलियन फॉलोअर्स हुए थे। दूसरा एलन मस्क ने रीज़न बताया कि वह इसके एल्गोरिदम को ओपन सोर्स करना चाहते हैं। एल्गोरिदम मतलब क्या? एल्गोरिदम मतलब वो रूल्स जिससे वह प्लेटफॉर्म चल रहा होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं फेसबुक की या तो फिर यूट्यूब की, तो कोई भी कुछ भी नहीं डाल सकता। अगर यूट्यूब में कोई भी कुछ भी किसी को कॉपी करके डालता है तो कॉपीराइट क्लेम होता है और उसका चैनल बैन कर दिया जाता है। उसी तरीके से अगर फेसबुक में अगर कोई भी अपने मन से गाली या किसी बारे में डिमोटिवेशन वाली बातें करता है तो उसे बैन कर दिया जाता है, उसको वार्निंग दे करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो जिस कारण से जो कि एक रूल्स के द्वारा, एक एल्गोरिदम के द्वारा चलाए जाते हैं और जो ऑपरेट होते हैं एआई के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, और उनमें बहुत सारे काम करते हैं एआई काम करते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स जो कि कोडिंग्स होते हैं वो सारे काम करते हैं उसके अंदर। वह तो बात करते हैं कि वो अपने ट्विटर के एल्गोरिदम को ओपन सोर्स करना चाहते हैं, वो अपने ट्विटर के एल्गोरिदम को ओपन सोर्स करके सबके सामने रखना चाहते हैं, ताकि इससे कई ज़्यादा फायदे होंगे कि अगर किसी को अपडेशन के बारे में या फिर उसके प्रॉब्लम्स के बारे में या फिर उसके कमियों के बारे में कुछ बताना चाहे तो वो आराम से खुले आम कहीं भी वो शेयर कर सकता है, पोस्ट कर सकता है कि इसमें ये कमियां हैं, उसको कई तरह से सुधारा जाता जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है और उसको हैक भी किया जा सकता है। जी हाँ, ओपन सोर्स होने का ये एक नुकसान है कि उसको आराम से हैकर, कोई भी हैक कर सकता है, कोई भी उसको चीट कर सकता है आसान तरीके से। लेकिन उसमें एक और फायदा है कि जिस तरीके से ओपन सोर्स होने के कारण उसको आसानी से चीट किया जा सकता है, उसी तरीके से ओपन सोर्स होने के कारण उस चीटिंग को दोबारा से रिकवर किया जा सकता है, उसी को दोबारा से ठीक किया जा सकता है। और YouTube खरीदने का तीसरा कारण यह है कि वह चाहते हैं कि जितने भी स्पैम मैसेजेस हैं, जितने भी स्पैम
बॉट्स हैं जो कि झूठ मूठ के बेकार के मैसेजेस करते रहते हैं, जो जिसका कोई मतलब नहीं बनता, वह हट जाए, वह किसी भी तरीके से वह हटा दी जाए, और जो जेन्युइन कंटेंट लाने वाले पर्सन हैं उनको स्टेबल रखा जाए, उनको एक अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाए। नॉर्मली उन्होंने कहा था कि ट्विटर कोई पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे पैसे अर्निंग नहीं करने चाहिए, वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक नॉर्मल इंसान अपनी बातों को रख सकता है और वह अपनी बातों को सीधे एक ऊंचे लेवल तक पहुंचा सकता है किसी आराम से। गाइज, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी जगह चीज़ें उन्हें करनी थी तो उन्होंने अपना एक कंपनी को बिल्ड क्यों नहीं किया, अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश क्यों नहीं किया, तो एक नई कंपनी बनाना और एक बनी बनाई कंपनी को खरीद लेना अंतर होता है। यानी कि एक नई कंपनी बनाने में बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते, बहुत सारे काम करना पड़ता, बहुत सारे टेंशन्स होते, जिन सारी चीज़ों से वे बच गए आराम से सिर्फ एक कंपनी को खरीद करके। हाँ, हालांकि उन्हें इस कंपनी को खरीदने में अच्छा खासा पैसा देना पड़ा, यानी कि इतना पैसा एक देश को खरीदने इतना पैसा देना पड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस कंपनी को खरीदा और एक बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो गई, सिर्फ नारियल फोड़ना बाकी रह गया और सारी चीज़ें को चेंज करना बाकी रह गया। तो देखते हैं कि और क्या क्या मस्त मस्त चीज़ें होने वाली इस कंपनी के साथ और क्या क्या नए नए अपडेट्स आने वाले हैं, जो कि बहुत सारे अपडेट्स को लोग सोच रहे हैं कि हाँ ये सारे अपडेट्स आ सकते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सारे अपडेट्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, नए नए चीज़ें होनी चाहिए ट्विटर हैंडल के अंदर। तो देखते हैं कि क्या क्या मस्त मस्त चीज़ें होने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो और अगर आपको यह एलन मस्क का यह कदम आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें ताकि हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसे ऑसम कंटेंट्स। तो देखने के लिए थैंक यू सो मच।